नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल इंडियन स्टॉक्स चार्ट पे। मेरा नाम है रणदीप कोडिया और आप देख रहे हैं चार्ट ऑफ द डे सीरीज। आज तारीख है 6 अप्रैल 2022 और आज का पांचवा चार्ट ऑफ द डे है दोस्तों कामत होटल्स इंडिया लिमिटेड। देखिए फ्रेंड्स, ये होटल्स रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक कंपनी है। देखिए फ्रेंड्स, कामत होटल्स का मैंने पहले भी एनालिसिस किया था, टारगेट दिए थे 100 रुपये के, वो टारगेट अचीव हो गए हैं। आज जो स्टॉक के हाई लगे हैं वो 80 रुपये 70 पैसे के लगे हैं और आप देखेंगे स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के साथ हाईर हाई हाईर लो के साथ ऊपरी स्तर पे 10.16% की तेज़ी के साथ 79 रुपये 15 पैसे पे क्लोज हुआ है। आइए फ्रेंड एक बार फिर चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कामत होटल्स में अगला टारगेट क्या निकल के आ रहा है। आइए दोस्तों अब रुक कर लेते हैं 5 डे के चार्ट का। 5 डे में आप देखें जो स्टॉक के लो लगे हैं वो 70 से नीचे लगे हैं, वहाँ से आप देखें जो ट्रेंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है और आप देखेंगे 75 के बाद तो स्टॉक का जो ट्रेंड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बन गया है। पहला मेजर ब्रेकआउट आप देखेंगे क्रेसेंट का 70 के ऊपर देखने को मिला, उसके बाद आप देखेंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का लगभग 72 के अराउंड देखने को मिला, फिर आप देखेंगे एक वी फॉर्मेशन का आप देखेंगे 75 के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अब स्टॉक अपने 5 दिनों के हाई पे ट्रेड कर रहा है और आप देखेंगे 10 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी 5 दिनों के अंदर स्टॉक में हो गई है। आइए दोस्तों अब चार्ट देख लेते हैं 1 मंथ का। 1 मंथ में आप देखेंगे स्टॉक के लो लगे हैं वो 60 से नीचे लगे हैं और आप देखेंगे स्टॉक में लगभग 20 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी 1 महीने के दौरान हो गई है, स्टॉक अपने 1 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है। पहला मेजर ब्रेकआउट आप देखेंगे निचले स्तर पे एक वी फॉर्मेशन का देखने को मिला 65 के राउंड, उसके बाद आप देखेंगे एक पोल विद फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट 70 के ऊपर और फ्लैग के अंदर ही आप देखेंगे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट देखने को मिला। आइए दोस्तों अब चार्ट देख लेते हैं 6 मंथ का। 6 मंथ में आप देखेंगे स्टॉक के लो लगे हैं वो 50 रुपये से नीचे लगे हैं, एक मेजर ब्रेकआउट आप देखेंगे राउंडिंग बॉटम का 70 के ऊपर आता दिखाई दिया है और जैसे ब्रेकआउट आया स्टॉक 80 के पार निकला और स्टॉक अपने 6 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है। आइए दोस्तों अब चार्ट देख लेते हैं 1 ईयर का। 1 ईयर में आप देखें जो स्टॉक के लो लगे हैं वो 30 रुपये से नीचे लगे हैं, वहाँ से आप देखें स्टॉक काफ़ी तेज़ी के साथ 60 रुपये तक गया, फिर एक अच्छा रिट्रेसमेंट रहा 20 रुपये का, 40 के राउंड सपोर्ट लिया, फिर दोबारा से स्टॉक लगभग 70 तक गया, फिर एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया जो स्टॉक को 50 के नीचे ले आया, वहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक राउंडिंग या क्लियर राउंडिंग बॉटम का 17 के ऊपर ब्रेकआउट देके स्टॉक अब अपने 1 साल के हाई पे ट्रेड कर रहा है। आइए दोस्तों अब चार्ट देख लेते हैं 5 ईयर का। 5 ईयर में आप देखें जो स्टॉक के लो लगे हैं 25 से नीचे लगे हैं, पहला मेजर ब्रेकआउट आप देखेंगे डबल बॉटम को 50 के ऊपर आता दिखाई दिया है, उसके बाद आप देखेंगे 70 के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देके दोबारा से स्टॉक 100 रुपये की तरफ बढ़ चला है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं टारगेट की। देखिए फ्रेंड, जो हमने 80 के टारगेट दिए थे कामत होटल्स इंडिया लिमिटेड में वो अचीव हो गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं पुराने वीडियो की हमने कब एनालिसिस किया था तो पुराने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कामत होटल्स इंडिया लिमिटेड में 1 महीने से 2 महीने का समय देंगे तो आपको इसमें 100 रुपये तक के टारगेट आते दिखाई देंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी या प्रतिक्रिया उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं टेक्निकल एनालिसिस और हाउ टू रीड चार्ट्स भी सिखाता हूं। आप मेरे से टेक्निकल एनालिसिस और हाउ टू रीड चार्ट्स भी सीख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप कॉन्टैक्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ एक एक्सीलेंट चार्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।